हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो सीआरपीसी में कल मेंटेनेंस हो गया था, समझ में आया था कि नहीं? आ ही गया होगा। कमेंट वमेंट करके बताया करिए कोई दिक्कत हुआ करे तो, ठीक है। वैसे भी आजकल जो कोरोना चल रहा है उसमें बच के रहिए, पहले अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। अगर सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है तो मन लगा के पढ़ाई करिए, है कि नहीं भाई। अब इस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे तो आगे फायदा मिल जाएगा। जैसे ही ये टाइम खत्म होगा सारे स्टेट के एग्जाम होंगे, फिर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। कंपटीशन का बस एक ही रूल होता है, क्या होता है कि औरों से ज्यादा नंबर लाने होते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स में क्या होता है, सिर्फ पास होना होता है या फर्स्ट डिवीजन लानी है तो फर्स्ट डिवीजन ले आओ, कोई दिक्कत है। मान लो आपके बैच में 40 लोग हैं, है कि नहीं, तो उसमें आपको ये नहीं कि 10 ही लोगों की केवल फर्स्ट डिवीजन आएगी। आप अच्छे नंबर ले आए, फर्स्ट डिवीजन आ गई। लेकिन जुडिशरी एग्जाम में क्या होता है, क्या होता है कि अगर 400 लोग लिए जाएंगे तो उन 400 में आना है, ठीक है। तो औरों से ज्यादा नंबर लाने हैं। ज्यादा नंबर कैसे आएंगे, जब ज्यादा पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर 10 क्या बोलता है भैया। चैप्टर 10 बोलता है क्या था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसपैरेंसी। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसपैरेंसी। चलिए क्या है भैया, सेक्शन जो है 129 से लेके कहां तक चलता है, 149 50 148 तक 148, ठीक है। देखिए इसमें से प्री में कम ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसमें से मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन प्री के बनते हैं, ठीक है। मेंस के लिए भी अगर शॉर्ट आंसर पूछ देते हैं कि लोकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है ये बताओ ये सब, लेकिन मेंस में भी ये मान के चलिए कि इसमें से नहीं आता है, ठीक। लेकिन ये उनके लिए जो लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनते हैं उनके लिए चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि उनके सारे काम इसी में ही होते हैं। जनरल, आप जनरल जो चीजें होती रहती हैं जो, उसमें ये बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसपैरेंसी को, जो कि सेक्शन 129 से 148 तक है, इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला अनलॉफुल असेंबली। अगर अनलॉफुल असेंबली होती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, ठीक है। ए बी, बी क्या है, पब्लिक न्यूसेंस। अगर पब्लिक न्यूसेंस कोई करता है और सेक्शन 133, तो उसमें क्या करना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। सी अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। अगर अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस होते हैं तो क्या करना है, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू आता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है। डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आई बात की नहीं। कितने पार्ट में बांटा गया है इसको, 4 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या, अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक न्यूसेंस, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और डिस्प्यूट एज टू इमोवेबल प्रॉपर्टी। इसमें सी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री में अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस से बहुत आते हैं, ठीक। चलिए अभी तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ही। चलिए आप पहले अनलॉफुल असेंबली पे आते हैं, ए पार्ट जो है इसका। क्या है भाई, अगर अनलॉफुल असेंबली कोई होती है, अनलॉफुल असेंबली होती है, देखिए आपने मूवीज में, हकीकत में नहीं तो मूवीज में तो बहुत देखा ही होगा। अगर आपने असेंबली कोई, मतलब मान लीजिए कोई भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट में असेंबली तो हो जाती है, काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक। अगर उस प्रोटेस्ट को करने की परमिशन नहीं लिया है आपने, ठीक, तो वो क्या कहते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया कोई एक
रैंक का अधिकारी आ जाएगा, मान लीजिए एसपी आ गया, ठीक है, और एसपी साहब आ गए, ऐसे बोलिए, ठीक है, मान लीजिए एसपी साहब आ गए, अब उन्होंने तुरंत असेंबली से कहा कि ऐसा है कि ये सब असेंबली बंद करो और यहाँ जाइए, आप लोग अलग हो जाइए, ठीक है, हम ऑर्डर देते हैं। अब ऑर्डर मान लिया तो ठीक है, नहीं माना फिर क्या होता, लाठी चार्ज होता है कि नहीं। पहले तो वो अनाउंसमेंट करेगा कि आपने जो ये असेंबली ये जो यहाँ पर लगा रखी है, जो भीड़ कर रखी है, आप इसको डिस्पर्स कर दीजिए, हट जाइए, वापस लौट जाइए, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली है, अनलॉफुल असेंबली है, ठीक। अब आदमी नहीं हटता फिर क्या होता है, वो लाठी चार्ज बोल देता है, लाठी पड़नी स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, फिर भी नहीं, अगर अलग होते हैं फिर क्या होता है, अरेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सबको वैन में डाल के चलो पुलिस स्टेशन, यही तो होता है। मूवी में तो बहुत बार देखा होगा, अगर हकीकत में नहीं देखा होगा तो वही है, ठीक है। तो अनलॉफुल असेंबली ये बोलता है डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली, डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली कैसे होगा भैया, देखिए सबसे पहले तो सेक्शन 129 क्या बोलता है, बाय सिविल फोर्स, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, यूज ऑफ सिविल फोर्स, उसमें कौन कर सकता है, उसमें या तो फिर ये करें पीओ या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस, अभी समझा दूंगा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक, या पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक, या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन कौन आ जाते हैं, वही डीएम एसडीएम, ठीक है, ये सब लोग आ जाते हैं, ठीक। अब डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्सल का ऑर्डर कौन दे सकता है, ठीक है, सबसे पहला सेक्शन 129 ये बोलता है डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, अगर सिविल फोर्स के थ्रू हम उन्हें डिस्पर्स होने के लिए बोल रहे हैं तो कौन कौन बोल सकता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक, पीओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, ठीक है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो कम से कम एसआई या एसआई से ऊपर होना चाहिए, या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम एसडीएम, ये सब लोग, ठीक है। क्या होगा, सबसे ज्यादा 129 ही अप्लाई होता है, ठीक है, 129 में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी पुलिस ऑफिसर को, जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, या कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर जो एसआई से ऊपर है, एसआई या एसआई से ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वो उसको डिस्पर्स होने के लिए बोलेगा कि असेंबली भाई खत्म करो, आप लोग अपने अपने घर जाओ, ठीक, या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम एसडीएम साहब, अगर मान वहां पर जो सबसे ऊंची रैंक का होगा, मान लीजिए पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी है और एसआई भी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, तो इन तीनों में जो सबसे ऊपर रैंक का होगा वही ऑर्डर देगा, ऑब्वियसली बात है कि नहीं, अगर तीनों लोग हैं तो सबसे ऊंची रैंक का जो होगा उसी का ऑर्डर माने जाएंगे, ठीक। इसको आप रीड मारिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा, 129 उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वो डिस्पर्स होने के लिए अनाउंसमेंट बोलेंगे, मतलब अनाउंसमेंट करेंगे, उससे नहीं होता है तो इसका सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि यूज ऑफ फोर्स करेंगे, यूज ऑफ फोर्स का मतलब आप जानते ही हैं, डंडा चलना चालू हो जाएगा, ठीक है, फिर भी नहीं होता है तो इसका सब क्लॉज 3 तो है ही नहीं, तो 2 में ही ये बात दी हुई है कि क्या होगा, अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, समझाई बात नहीं। दूसरा सेक्शन 130 यूज ऑफ आर्म फोर्स, अगर 129 से काम नहीं चल रहा है, अगर 129 से काम नहीं चल रहा है तो क्या होगा, तो हम आर्म फोर्स को बुलाएंगे, है कि नहीं, किसको बुलाएंगे, आर्म फोर्स को बुलाएंगे, कौन ऑर्डर देगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की गाइडेंस में ऑर्डर पे आर्म फोर्स को बुला के और इनके मदद से हम लोग अनलॉफुल असेंबली को खत्म कराएंगे, है कि नहीं, चलिए और कुछ है इसमें, यूज ऑफ डिस्पर्स असेंबली, बस यही है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होगा वो हाईएस्ट रैंक का होगा, वो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। अगर कोई भी है, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव
डीएम साहब भी हैं, डीएम साहब भी हैं तो किसके ऑर्डर साहब भी हैं तो किसके ऑर्डर मारे जाएंगे, ऑब्वियसली डीएम साहब के मारे जाएंगे, है कि नहीं? ठीक, 131 ये बोलता है कि अगर ये नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई नहीं है, ठीक है, पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली, पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली, क्या है भैया? देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली जो इसका ये पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है कि डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली कैसे होगा, 129 में बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स होगा, सिविल फोर्स में कौन है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा या पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई होगा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, इनमें से कोई एक ऑर्डर देगा कि भैया डिस्पर्सल करना है, ठीक, डिस्पर्सल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, फोर्स से भी नहीं हुआ तो हम अरेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, फिर अगर 129 से काम नहीं चल रहा है तो हम आर्म फोर्स आर्मी को लेके आएंगे, ठीक है, और तब हम डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली कर देंगे। यहाँ पर ऑर्डर कौन देगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है, ये दोनों लोग नहीं देंगे, सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि हाईएस्ट रैंक का होगा वो, ठीक। तीसरी बात, अगर इससे मान लीजिए कहीं पे ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है तो क्या होगा, जो आर्म फोर्स ऑफिसर है उसमें जो उनमें से हाईएस्ट रैंक का होगा उसके ऑर्डर पे डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली करवा दी जाएगी, ठीक है। 131 क्या बोलता है, 131 ये बोलता है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है तो आर्म फोर्स ऑफिसर में ही जो हाईएस्ट रैंक का होगा वो ऑर्डर देगा और डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली हो सकती है। सेक्शन 132 ये बोलता है इस चीज को लेके इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर प्रोसीडिंग प्रीसीडिंग एक्शन प्रीसीडिंग सेक्शन, अगर इनमें से 129, 130, 131 इन तीनों को अगर किसी भी ऑफिसर ने, मान लीजिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने कोई ऑर्डर दिया था इसमें 129 में, ठीक है, अब इस पे कोई केस नहीं चलने लगेगा, ठीक है, अगर वो इसमें कोई एक्शन ले रहा है, समझ में आई बात कि नहीं, कोई भी काम 129, 130, 131 किसी भी ऑफिसर द्वारा इनमें से किया गया हो उसको लेके 132 जो है उन्हें प्रोटेक्शन देता है कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाए, केस नहीं चलेगा आपके ऊपर, ठीक है, उसको लेके। चलिए पढ़ लीजिएगा, एक ही बार समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन इसमें से कुछ भी नहीं आता, ठीक। दूसरा पढ़ते पब्लिक न्यूसेंस, इसमें से क्वेश्चन अगर पूछे आते तो यही पूछे आते हैं कि डायरेक्ट एक तो आता है कि 129, 130, 131 ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है, 129 में बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स है, 130 में आर्म फोर्स है, 131 में आर्म फोर्स ऑफिसर द्वारा है, ठीक, बस इतना ही पूछा जाता है और कुछ नहीं आता इसमें। कुछ ना समझ में आए मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो मैं जब अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो आपके वो डाउट उसमें वो भी ले लिया करूंगा, वो भी समझा दिया करूंगा, अभी तो लेक्चर चल ही रहे हैं, चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं तो इस बात का फायदा उठा लें आप, है कि नहीं, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कैसे हुआ जाएगा। पब्लिक न्यूसेंस इसका बी पार्ट जो था लॉफुल असेंबली तो हो गया, पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस अगर होता है तो क्या किया जाएगा, है कि नहीं, सबसे पहले कंडीशनल ऑर्डर सेक्शन 133 याद रखिएगा, सेक्शन 133 को कंडीशनल ऑर्डर बोलते हैं, कब पास होगा, बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, क्या होता भाई, देखिए मोटा माटी ये समझिए कि कंडीशनल ऑर्डर कब पास होता है, कौन पास कर सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, चाहे वो डीएम हो, एसपी, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन पास कर सकता है, जहां पे एनी आ जाए, अगर कोई भी सेक्शन में कोई स्पेसिफिक ऑफिसर की बात की गई है कि यही कर सकता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कहीं पे दिया हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं तो वो इम्पोर्टेंट, अगर कहीं किसी सेक्शन में दिया हुआ है कि ये वाला ऑर्डर सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब पास कर सकते हैं तो वो इम्पोर्टेंट, कहीं पर दिया हुआ है सिर्फ एसडीएम साहब पास कर सकते हैं तो वो इम्पोर्टेंट, ठीक है,
अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक, कि कोई भी कर सकता है, फिर काय बात की बात है कि नहीं। चलिए तो एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या है, कंडीशनल ऑर्डर कब पास होता है, मान लीजिए कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, कोई रोड थी, ठीक है, अब आदमी क्या कर रहा है, कोई उसे काम पड़ गया और वो रोड खोदने लगा बीच में, तो क्या खोद सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 133 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई जानकारी किसी ने दे दी ना तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेने लगेगा, है कि नहीं। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या पब्लिक प्रॉपर्टी में आप कोई कंस्ट्रक्शन करने लगे, ठीक है, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई डैम, वो कोई वो है, रिवर है, नदी है, कोई वेल है, कोई हैंडपंप है, मान लीजिए हम किसी हैंडपंप से पानी पी रहे हैं। अभी केस हुआ था एक, कि एक मुस्लिम लड़का था, वो माइनर था, वो एक मंदिर में जाके किसी हैंडपंप से पानी पीने लगा था, ठीक है, तो उसे लोगों ने मारा कि तुम मंदिर में कैसे आ गए, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, जिन लोगों ने उसे मारा उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। कैसे किया गया? इसी में ही किया गया। क्यों? क्योंकि आप किसी को भी, अरे भाई अगर कोई मंदिर है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां कोई हैंडपंप लगा हुआ है, तो कोई भी धर्म का आदमी जाके वहां में पानी पी सकता है, कोई बड़ा इशू है क्या उसमें, है कि नहीं। मस्जिद है, मस्जिद में जाके आप पानी पी सकते हैं, चर्च है, वहां पर जाके पानी पी सकते हैं, अनलेस एंटिल आपका इंटेंशन कुछ और ना हो, है कि नहीं। अब हम मान लीजिए कि हम पानी पीने के बहाने हम किसी दूसरे धर्म के उसमें जा रहे हैं, और लेकिन मेरी इंटेंशन कुछ और है कि नहीं, तो फिर वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सही इंटेंशन के साथ, आपको प्यास लगी है एक्चुअली में, और आप जाके वहां पर चुपचाप पानी पी के वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें क्या हुआ था, सॉरी कहां पहुंच गया यार, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बात ये हुई थी आप 133 में ही वो एक्शन लेते हैं, ठीक, कि क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी आप हर किसी का हक होता है वो इस्तेमाल करना, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, है कि नहीं। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, पब्लिक प्रॉपर्टी, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। पहले ये होता था कि भैया ये जो है, ये वाले हैंडपंप में कोई SC ST या कोई रिलीजियन का हिंदू है तो मुस्लिम वहां जाके पानी नहीं पिएगा, ऐसा सब, ये सब पहले चलता था, अब नहीं चल सकता, है कि नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी हमें मिले हुए हैं, आर्टिकल 15-16, है कि नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसीलिए ये इसको रोकने के लिए ये 133 में ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है, जिनको कंडीशनल ऑर्डर कहते हैं। चलिए पढ़िए, बहुत सारी चीजें इसमें, 6 चीजें हैं, ठीक है। व्हेनेवर ए डीएम और एसडीएम और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर और अदर इन्फॉर्मेशन, कब वो, या तो फिर पुलिस ऑफिसर ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट लेके गया है, या कैसे अदर तरीके से उन्हें जानकारी मिली है, तो क्या होगा, डेट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस बाय वे ऑफ रिवर रिवर चैनल विच इज और वे अनलॉफुली यूज बाय द पब्लिक, ठीक। पहला तो ये है कि अगर कोई रिवर है या कोई रास्ता है या कोई चैनल है उसमें कोई कुछ कर रहा है, दूसरा क्या है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, नहीं, ट्रेड और एक्यूपेशन, आप ऐसा ट्रेड और एक्यूपेशन भी नहीं कर सकते जो पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, है कि नहीं। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, चौथा, बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर ट्री ये सब उखाड़ उखाड़ रहे हैं, आप इसको रीडिंग मारिएगा तुरंत समझ में आता जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी अगर आपका जाने का रास्ता रोकता है, कोई भी अगर अनलॉफुली कोई बिल्डिंग तैयार कर रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी में या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें डीएम एसडीएम या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसा स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड किया हो वो एक्शन ले सकता है उसके खिलाफ, ठीक, यही बोलता है सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर। समझ में आई बात की नहीं? चलिए ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसका जो सब जो दूसरा पार्ट है उसमें यही दिया हुआ है कि पास कंडीशनल ऑर्डर, तो वो कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कि अगर कोई रास्ता रोक रहा है तो दूसरे उससे कहेगा कि रास्ता नहीं रोकना है, उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है 188 में, ठीक, अगर वो नहीं बात मानता है तो 188 ऑफ IPC। चलिए, और इसमें कुछ अंदर से नहीं आता, मेंस में भी नहीं आता, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। 134 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, अब क्या होगा, 134 में वो से नोटिस जारी कर सकता है जिसके खिलाफ
जिसने ये सब काम किए हैं, ठीक है, ऑफ चेक किया, ये सब किया, उसे नोटिस जारी करेगा, क्यों क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक। और सर्विस ऑफ नोटिस होगा कैसे, जैसे समन सब किए जाते हैं वैसे ही होगा, और क्या। 136 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू डू सो, अगर उसने कहा है, 136 क्या बोलता है कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करना फिर भी तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी में आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक। प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, अगर पब्लिक राइट कोई डिनाई कर रहा है तो क्या होगा, रीड मारिएगा सब समझ में आ जाएगा, इसमें से अंदर से कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक। कहीं से कुछ पूछा जाएगा तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा। प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज, अगर वो अपीयर होता है उसे शो कॉज जो दिया है 135 में, हाँ 135 में जो उसे शो कॉज दिया है, जब वो अपीयर होता है तो क्या होगा, ठीक। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट, ये सेक्शन पूछ दिया जाता है, याद करिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, लोकल इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, वो एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट, ठीक, एक्सपर्ट ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। अभी लास्ट ईयर 2019 में उत्तराखंड नहीं सॉरी छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक, 2020 में ये छत्तीसगढ़ 2020 में आया था ये क्वेश्चन, और आता ही रहता है 2020 क्या आया था, इन लोकल इन्वेस्टिगेशन का तीन सेक्शन याद रखिएगा, 139, 148 और 310, इसमें क्या है, इसमें है लोकल इन्वेस्टिगेशन, 148 में क्या है, लोकल इंक्वायरी, ठीक, 310 में क्या है, लोकल इंस्पेक्शन, ठीक, ध्यान रखिएगा पूछे जाते हैं ये तीनों ही, ठीक, कौन कौन से, 139 लोकल इन्वेस्टिगेशन, 148 लोकल इंक्वायरी और 310 लोकल इन्वेस्टिगेशन, वो लोकल इंस्पेक्शन, ठीक है। कि 310 में क्या है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उसे खुद जाके कहीं पर कुछ देखना चाहिए तो वो 310 में उसके पास पावर है कि वो खुद जाके भी देख सकता है। और इसमें कुछ है बस 142 और याद रखिएगा 142 क्या है, 142 में है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना है, जो चीज कहीं आता नहीं है ये यार, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ये उनके काम की चीजें हैं, ठीक है, हमारा जो काम का है वो हमने इसमें से निकाल लिया है। वैसे भी बहुत बड़ा है, कितने 484 सेक्शन है, 484 वो सारी पढ़ने हैं, ठीक है, तो इतना ज्यादा बर्डन नहीं लेना, ठीक, जो अपनी काम की चीजें वही देखनी है। एक बार आप रीड जरूर मान लीजिएगा, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो वाला सेक्शन फिर से समझा देंगे। इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, अब क्या होता है, अगर 133 में मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि तुरंत कोई ऑर्डर पास करना होगा, क्योंकि अगर नहीं पास करेंगे तो किसी को नुकसान हो सकता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को या अदर पर्सन को नुकसान हो सकता है, तो वो इंजंक्शन ऑर्डर पास कर देगा कि जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है तब तक ऐसा रखना है, ठीक है, तब तक कंस्ट्रक्शन नहीं करना है या तब तक इसको छूना नहीं है, ठीक है, बस इतना ही आता है और कुछ नहीं है, ठीक। अब इसका पार्ट सी जो है 144 ए इंपॉर्टेंट है, ये अगले लेक्चर में देखेंगे वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मतलब 144 से लेके 148 तक अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 144 ए है, जिसमें से क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।